पाकिस्तान ने एक बार फिर बेनकाब हुआ है। एक बार फिर पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आया है। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान ने जाधव को मौत की सजा सुनाई है। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर आज पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मोहर लगा दी। पाकिस्तान ने पिछले साल मार्च में कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था और पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में कुलभूषण जाधव को जेल में बंद कर रखा है। कुलभूषण जाधव मुंबई का रहने वाला है। भारत पाकिस्तान के जासूसी वाले आरोप को कई बार खारिज भी कर चुका है। पाकिस्तान जिस तरीके से कबूलनामे को आधार बनाता है, भारत उसे नकार भी चुका है। कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 को जासूसी के झूठे आरोप में बलूचिस्तान के चमान इलाके से गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान के आर्मी कैंट यानी कि PAA के तहत कुलभूषण को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मौत की सजा दी थी। पाक आर्मी चीफ ने मौत की सजा पर मोहर लगा दी है। वे पूर्व आर्मी चीफ और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा है कि जांच के बाद कुछ कहेंगे। अभी पूरी चीज का जांच होने तो उसके बाद बात करें। वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी की चीज कभी थी नहीं। वहाँ वो तो जंगल राज पर ही पनप के आए हैं। उनका पूर्वज भी हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में जितनी मारकाट उन्होंने की है किसी ने नहीं की थी। तो आज हम लोगों को जागना चाहिए जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम से कोई ऐसी कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इंडिया पाकिस्तान की भी दोस्ती होनी चाहिए उस गलत फ्रेम से और भ्रम से मुक्त होकर आज हमें निश्चित तौर पर पाकिस्तान को सख्त से सख्त कार्रवाई करने की तैयारी करनी चाहिए और आज फिलहाल चेतावनी देनी चाहिए कि यदि यादव को फांसी दिया जाएगा तो फिर परिणाम पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे होंगे। कश्मीर में हिंसा का दौर